गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए मेरे शो पे। हाँ मौज, हाँ मैं तो चला दूरदर्शन की ओर डीडी गिरनार पर। मैंने जैसे ही आपको बताया कि दिस इज द 47th एपिसोड ऑफ माय शो एंड दिस इज द वर्ल्ड्स ओनली लाफ्टर टॉक शो व्हिच इज लाइव टेलीकास्ट बाय डीडी गिरनार। ये एकमात्र गुजराती शो है, गुजराती लाफ्टर टॉक शो आम और जहां, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के ह्यूमरिस्ट मेरे साथ आ चुके हैं और आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर गुजराती लाफ्टर टॉक शो है। एक्टिविटीज़ है हमारे जो एंटरटेनमेंट हम कैसे लोगों के सामने पेश करते हैं वो आपको मैं डी लॉग के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो मैंने गाइस बताया था कि अहमदाबाद का जो मौसम है वो बड़ा ही सुहाना हो चुका है पिछले काफी दिनों से। जो है यहाँ पर बढ़िया सी बारिश शुरू हुई है और अहमदाबाद वैसे तो काफ़ी हॉट रहता है, मैंने आपको बताया 42-43 डिग्री का टेम्परेचर हमारे समर में चला जाता है। वहाँ पर बारिश आने के बाद लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पर बारिश आने के बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि वी लॉग पे हम आपको इंटरेस्टिंग आपको मज़ा करवाएंगे। सर यहाँ पे ये तो मतलब ऐसा हुआ कि कोविड में सबका कामकाज बंद था, खाली आपका एंटरटेनिंग। मैं आपको बताऊँ विशाल कि हमारे दो लाफ्टर शोज ऑन एयर हो चुके हैं। फर्स्ट सीजन जो कलर्स गुजराती में किया था खड़खड़ाट, जिसका हमने फर्स्ट सीजन में हमने किए 30 एपिसोड्स। एवरी एपिसोड्स में दो हमारे ह्यूमरिस्ट रहते थे के साथ में। थोड़े ही टाइम के बाद ही अपना दूसरा शो एज अ होस्ट, जैसे मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, एक्टर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बट ये मेरा एक पसंदीदा रोल रहा है होस्ट द शो। और ये लाफ्टर शो होस्ट करने का एक अलग ही मजा है। दिस इज द सेकेंड लाफ्टर शो ऑफ माइन। गाड़ी में जाओ, बढ़िया सा नाश्ता करो अपने फैमिली के साथ, पिकनिक होगी तो वहाँ पर जाओ, गाड़ी में लगाओ, सामने बड़ा सा स्क्रीन होता है, ह्यूज स्क्रीन, और मोर देन 1000 कार से ऊपर वहाँ पर लोग बैठ के अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं। ये है ड्राइविंग और यहाँ पर एक हेलमेट से बना हुआ जो है बढ़िया सा जो हमारे ट्रैफिक पुलिस का बूथ है वो बना हुआ है, जो कि हेलमेट की शेप में, जो ट्रैफिक पुलिस का जो हेलमेट होता है उसके शेप का ये बना हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी आगे ही दिखाऊंगा, इसको सर्कल को कहा जाता है हेलमेट सर्कल। दूसरी बढ़िया सी बात है, जितने भी और भी जो है वहाँ पर कॉरपोरेशन ने बहुत ही बढ़िया से उसको पेंट किया हुआ अलग अलग कलरफुल। ये ब्रिज का जो बॉटम जो रहा है कि लोगों को देखने में मज़ा आ जाता है, सारे का सारे ब्रिज को अलग अलग कलर थीम पे अहमदाबाद में किया हुआ है पेंट। Thank you.
साइंटिफिक रीजन क्या है मेकअप का? जो था तब जो दूरदर्शन के प्रोटोकॉल से वहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पे अलाउड नहीं थे, तो विदाउट मेकअप कैमरा के सामने बैठते थे, घर से थोड़ा बहुत मेकअप कर पाते थे, बट आई एम नॉट द गाय कि आप अपने हाथों से सही मेकअप कर। मेरा शो ख़त्म हो चुका है, मैंने बताया था आपको कि 6 बजे से लेके 6:50 तक मेरा लाइव शो चलता है। दीदी के ना लोगों, अपनी संस्कृति अपनी ओल अपनी ओळख। सो गाइज, शो पत्या पछी हूँ तमने एक सरस मजानी वस्तु बताऊँ। तमने अमदावाद नो एफिल टावर अमदावाद में हो के ना हो, परंतु अमारो दूरदर्शन नो जे टावर है, दूरदर्शन टावर है, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गुजरात, दैट इज अहमदाबाद दूरदर्शन टावर। यू कैन सी दैट कितना टॉल है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइज, जल्दबाजी में मैं यार आपको आउटरो बताना तो भूल ही गया, देख लेता हूँ आपसे भी। अच्छा गाइज, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसमें आप उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीलॉग आपको किस तरह का देखना है वो भी आप हमें बताइए, हम आपको और भी इंटरेस्टिंग वीलॉग देते रहेंगे। और हाँ, आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना, हाँ वो घंटे का निशान है उसको दबाना भूलना नहीं है। वीडियो को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मैम के साथ ही ऑफकोर्स। और ये वीडियो को आपको लाइक भी करना है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। कहेंगे क्या भाई भाई, हाँ मौज, हाँ कैसा रहा विशाल, फाइनली अपना व्लॉग लगता है चल जाएगा अपना, हाँ हम जरूर करोड़पति बनेंगे भाई भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।